क्वेश्चन ये है कि इंक्लाइन प्लेन पर किसी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए अगर रेंज सेम है तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा हमें दिया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा भी दिया हुआ है और हमें T1 और T2 का रेशियो अल्फा और बीटा के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 1 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा 2 के लिए रेंज अगर इक्वल है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो किसी गिवन स्पीड के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं अल्फा 1 और इसको कहते हैं अल्फा 2, सच दैट द रेंज इज सेम। ये रेंज अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही प्रोजेक्शन के लिए इक्वल है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा। ठीक है, जिसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर ये एंगल बीटा है। इंक्लाइन प्लेन पर जो रेंज होता है उसकी वैल्यू होती है आर इक्वल टू 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू, यहां पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो दिस इज साइन ए प्लस बी दैट इज 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो हम यह देख सकते हैं कि यहां से हमें अल्फा की दो वैल्यू मिलेगी। साइन थीटा दो केस में इक्वल होगा, यहां पर 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थीटा भी हो सकती है और 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही केस में ये वैल्यू सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा 1 के लिए ये थीटा के बराबर है और अल्फा 2 के लिए ये 180 माइनस थीटा के बराबर है। नाउ दिस इंप्लाई दैट थीटा प्लस दिस, थीटा को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 2 अल्फा 1 माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा 1 को हम मान लेते हैं कि वो अल्फा के बराबर है और अल्फा 2 को हम मान लेते हैं कि अल्फा डैश के बराबर है। ठीक है, सो अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा। तो हमें अल्फा मालूम है और बीटा मालूम है, तो हम यहां से अल्फा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ दिस इंप्लाई दैट द सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा डैश इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम T1 और T2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले T1 इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, ऑल्सो T2 इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डैश माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट T1 बाई T2 इज इक्वल टू
तो यू टू यू कैंसिल, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा डैश माइनस बीटा। तो अल्फा डैश माइनस बीटा 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा, 90 माइनस अल्फा, एंड दिस इंप्लाई दैट टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।